तो अगर तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर हो और तुम भी इंस्टाग्राम पर डेली फोटोज या रील्स अपलोड करते हो और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा लाइक्स आए, ज्यादा फॉलोअर्स मिले, तो तुम लोगों को अपने अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करना पड़ता है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जिन लोगों का भी अकाउंट प्रोफेशनल पे स्विच हो रखा होता है उसको एक अलग से डैशबोर्ड मिलता है, उसमें सारा इनसाइट तुम्हारे को दिखता है, कौन कौन सी कंट्री से तुम्हारे पे रीच आ रही है, कौन कौन से जेंडर से आ रहा है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। काफी सारे लोग जो है नॉर्मल अकाउंट रखते हैं और इस वजह से उनके व्यूज नहीं आते, उनका पोस्ट या रील वायरल नहीं होता। जैसे तुम अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट स्विच कर लेते हो तो इस तरीके से तुम लोगों की प्रोफाइल के नीचे एक डैशबोर्ड आ जाता है, वहाँ पे तुम्हारी रीच वगैरह सब कुछ दिखता है। और जब तक तुम्हारा अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच नहीं होगा तब तक ये उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाना कि तुम्हारी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा लाइक्स आएंगे, तुम्हारी फोटो वायरल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम्हारे को अपने अकाउंट को पहले प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करना पड़ता है। तो अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे कैसे स्विच करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, बढ़ते हैं वीडियो तक। अब अपने अकाउंट को प्रोफेशनल मोड पे कैसे स्विच करना है वो देख लो। तो साइड में डिस्प्ले आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, उस स्टेप्स को फॉलो करना है और इजीली तुम अपने अकाउंट को प्रोफेशनल मोड पे स्विच कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मेरा एक डेमो अकाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एडिट प्रोफाइल के जस्ट ऊपर तुम्हारा डैशबोर्ड दिखाता है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, वो अभी नहीं दिख रहा है। तो वो कैसे दिखेगा, तो ऊपर तुम लोगों को 3 लाइन दिख रही है, इस पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे तुम लोगों को दिखेगा यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, देखो फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है, फॉर प्रोफेशनल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है अकाउंट टाइप एंड टूल्स, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे तुमको ऊपर दिखेगा अकाउंट टाइप, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, एड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे प्रोफेशनल अकाउंट पे तुम क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है गेट प्रोफेशनल टूल्स, यहाँ पे तुमको प्रोफेशनल टूल्स मिल जाते हैं सारे। इस तरीके से तुम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो, ठीक है, तो इस तरीके से रीच मोर पीपल, तुम ज्यादा लोगों से रीच कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पे तुम्हारी जो है कैटेगरी तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, तुम अपना तुम्हारा जो टैग आता है, काफी लोगों को तुमने जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऊपर तुम्हारी प्रोफाइल के एक टैग लगा हुआ आता है, उसको तुम कर सकते हो। जैसे अब तुमको अपनी कैटेगरी देखनी है, तुम आर्टिस्ट हो, ब्लॉगर हो, तुम्हारा क्लोथिंग ब्रांड है, जो भी है, तो यहाँ पर जो है मैं एक बार एडिटर कर देता हूँ, ठीक है, या तुम आर्टिस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर्टिस्ट इस पे टिक कर देता हूँ और ऊपर आ रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, इसको अगर तुम बंद कर दोगे तो तुम्हारी प्रोफाइल पे ये शो नहीं होगा, तो इसको तुम ऑन कर दोगे तो ये प्रोफाइल पे शो होगा। तुम ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू जैसे तुम कर देते हो तो यहाँ तुम्हारे पास आएगा आर यू ए क्रिएटर, तो यहाँ पे क्रिएटर पे ऑप्शन आ रहा है और बिजनेस, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो अपने पेज पर, अपने अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो या तुम्हारा क्लोथिंग का ब्रांड है या तुम कोई सर्विस दे रहे हो, तो वहां पे तुम्हारे को बिजनेस ऑप्शन चूज करना है। अदरवाइज अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो, वीडियो अपलोड करते हो इस तरीके से, तो तुम्हारे को यहाँ पे क्रिएटर चूज करना है। ठीक है, तो क्रिएटर पर मैं क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा पूरा यहाँ पे डन हो चुका है। जैसे तुम यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जैसे रिफ्रेश करा तो तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ चुका है। इस पे तुम क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुमको सारा कुछ देखने को मिलेगा, सारे ऑप्शन आ चुके हैं, गेट मेटा वेरीफाइड, ठीक है, अचीवमेंट्स ए टू जेड, सारा कुछ तुमको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देखो अपने अकाउंट की रीच दे सकते हो, ठीक है, लास्ट 30 डेज, और यहाँ पे तुम पिछले मंथ का, 90 डेज का, इस तरीके से तुम देख सकते हो लास्ट 7 डेज का अकाउंट रीच देखने को मिल जाती है, एंगेजमेंट, टोटल फॉलोवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पे तो बिकम फॉलोवर्स है इसलिए दिख नहीं रहा, जैसे तुम मेरा दूसरे अकाउंट के यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से तुम लोगों को फॉलोवर्स दिखते हैं कि कौन सी कंट्री से फॉलोवर्स आ रहे हैं, मेल्स जो जेंडर है वो कौन कौन सी है, कि मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, और नीचे तुम्हारी ऑडियंस एक्टिव किस टाइम पे सबसे ज्यादा है, वो सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया कि अपने अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट पे कैसे स्विच करना है। तो आई होप काफी अच्छा लगा तुम्हारे को वीडियो। और अब इसके साथ में तुम लोगों को काफी दिक्कत आती है अपने फॉलोवर्स गेन करने में, अपनी रील्स को वायरल करने में। तो अगर तुम अपने फॉलोवर्स गेन करना चाहते हो तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, अगर तुम अपनी रील्स को वायरल करना चाहते हो तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी जाओ, दोनों वीडियो को चेक करो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा।